अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रसमलाई की रेसिपी। बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है और बिल्कुल परफेक्ट ये रसमलाई बनती है। ये आप किसी भी इवेंट के लिए आसानी घर में बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि रसमलाई बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ये फ्रेश मिल्क मैंने लिया है 2 लीटर। ये पाउडर मिल्क मैंने लिया है 1 कप। चीनी ली है मैंने 1/2 कप। और ये 1 चुटकी लिया है मैंने ज़ाफ़रान। ये सूजी ली है मैंने 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1/3 टीस्पून, यानी फुल भर के टीस्पून नहीं लेना है, इसमें थोड़ा सा कम करना है। और ये मैदा लिया है 1 टीस्पून। इलायची पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। और ये घी लिया है 1 टेबल स्पून। और ये गार्निश के लिए लिया है पिस्ता और बादाम, इसको मैंने काट के रख दिया है। 1/2 कप लिया है कंडेंस मिल्क। और ये 1 अंडा लिया है। अब ये सब चीज़ें जो है मैंने रेडी करके रख ली हैं। तो आइए मैं रसमलाई बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, दूध को बॉयल होने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है। और जिस डेगची में दूध बॉयल करना है वो डेगची थोड़े बड़े साइज़ की लेनी है। और ये देखिए, इसमें मैंने चीनी शामिल कर दी है 1/2 कप, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसमें इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है। और उसको पकने के लिए रखना है तकरीबन 5 से 10 मिनट, इसको अच्छे से पका ले रहा है। अब इसमें शामिल कर देती हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क शामिल करने से रसमलाई जो है बहुत ही मज़े की बनती है। इसका दूध का जो टेस्ट होता है बिल्कुल खोए के जैसे होता है। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप फिर चीनी की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर दें। क्योंकि मैंने कंडेंस मिल्क डाला था इसलिए मैंने चीनी फिर थोड़ी कम यूज़ की है इसमें। तो ये देखें, सब चीज़ों को मैंने अच्छे से पका लिया है। ये देखिए, अंडे को मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। अगर आपके पास छोटे साइज़ का अंडा हो तो फिर आप 2 अंडे ले लें, अगर बड़े साइज़ का अंडा तो फिर 1 अंडा ही काफ़ी है। क्योंकि रसमलाई बनाने के लिए 4 टेबल स्पून अंडा चाहिए होगा। तो ये देखो, उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। अभी देखें, एक बाउल मैंने डाल दी है पाउडर मिल्क। ये बेकिंग पाउडर इसमें डाल दिया है मैंने। ये देखें, ये 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने डाला है इसमें। अगर आप फुल टीस्पून में डालेंगे तो फिर रसमलाई जो है टूटने लग जाती है। और अब इसमें मैंने मैदा भी शामिल कर दिया है। और ये सूजी भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। और अभी इसमें मैंने घी भी शामिल कर दिया है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 4 टेबल स्पून अंडा जो मैंने फेंट के रखा हुआ है। और अब इन सब चीज़ों को मैं स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसकी अच्छे से सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है इसको। इन सब चीज़ों को मिक्स करने से ये डो बिल्कुल अच्छी सी बन जाती है। इसमें कोई बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी या लिक्विड मिल्क जो है इसमें शामिल नहीं करना है। तो ये देखिए, 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है। और ये जो डो मैंने बना के रखी है इसमें ये इसको फुल करके तो ये 1-1 रसमलाई इसी से मैं बना लूँगी। इससे ये होगा कि सारे रसमलाई के साइज़ जो है बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। आपने रसमलाई की जो भी शेप बनानी हो आप उसी शेप से रसमलाई तैयार कर लें। तो ये देखें, इसी तरह मैं सारे इसके बॉल जो है बना लेती हूँ। ज़्यादा बड़े साइज़ की रसमलाई नहीं बनानी है क्योंकि ये फूल जाती है तो फिर बहुत बड़े साइज़ की हो जाएंगी। बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की बनाएं, ना ज़्यादा छोटे साइज़ की बनाएं और ना ही बहुत बड़े साइज़ की। तो ये 1 टेबल स्पून जो है बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो देखें, जो डो मैंने तैयार की थी रसमलाई से उसके लिए 10 की रसमलाई बन चुकी हैं। तो ये बिल्कुल सही साइज़ है इसका। और दूध भी जो है अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब 1-1 करके रसमलाई जो है इसमें मैं डालती जाऊँगी और बिल्कुल एहतियात से डालनी है ताकि ये टूटे नहीं। तो ये देखें, 1-1 करके सारी रसमलाई जो है इसमें मैंने डाल दी है। अब इसको 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है, चम्मच इसमें बिल्कुल नहीं चलाना है। और ये अभी इसमें मैंने ज़ाफ़रान भी शामिल कर दिया है। अब देखिए, आस्ते आस्ते इसका साइज़ जो है डबल होता जाएगा। और 5 मिनट बाद इसकी साइड जो है चेंज करनी है और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको चेंज करना है क्योंकि ये टूटे नहीं। इसलिए बिल्कुल आराम से और बिल्कुल एहतियात से इसकी साइड जो है चेंज करनी है। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जिस डेगची में आपने दूध बॉयल करना है उस डेगची का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब आप इसमें रसमलाई डालेंगे तो रसमलाई जो है वो साइज़ में बड़ी होती है, तो इसलिए खुले डेगची में सही रहती है क्योंकि वो आराम से अच्छे से फूल जाती है। फिर ये देखिए, रसमलाई की जो है दूसरी साइड भी मैंने चेंज कर दी थी। देखिए कितनी अच्छी और परफेक्ट रसमलाई बन चुकी है। देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं टूटी है और अच्छे से फूल भी गई है। तो मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, उस पर थोड़ा ठंडा करके डिश आउट कर देती हूँ। ये रसमलाई देखिए ठंडी हो चुकी है, अब इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ। बहुत एहतियात से इसको डिश में निकालना है। 1-1 रसमलाई को आराम से उठा के डिश में निकालते जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही फ़ौरन डिश में निकाल देंगे तो रसमलाई जो है टूट जाएगी। तो इसको बिल्कुल एहतियात से डिश में निकाल देना है। अगर आपने ज़्यादा रसमलाई बनानी हो तो पहले 1 कप के हिसाब से इसको बना के रसमलाई आप डेगची में डाल दें, बाद में
एक कप की और बना लें तो उस तरह ये रसमलाई जो है बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि अगर आप एक ही दफ़ा दो कप की बनाएंगे तो उसमें ज़रा ये फिर ड्राई होना शुरू हो जाती है रसमलाई जो है, इसलिए एक एक कप की बनाएं तो बहुत ईजी रहती है। तो मैंने 1.5 कप की बनाई थी, यानी 1.5 कप की मैंने रसमलाई बनाई थी। तो ये देखें दूध को भी मैंने बढ़िया एहतियात से अब इसमें डाल दिया है, क्योंकि एकदम से नहीं डालना है ताकि रसमलाई जो है टूटे नहीं। और अब लास्ट में इसमें शामिल कर दूँगी बादाम और पिस्ते को जो मैंने काट के रखा था वो उसमें मैंने डाल दिए हैं। और अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख दें, जिससे रसमलाई का टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाता है। तो देखें सारी रसमलाई जो है मैंने डिश आउट कर दी है, अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। ये देखिए रसमलाई को मैंने फ्रिज से निकाल दिया है, देखिए मैं 7 से 8 घंटे इसको मैंने फ्रिज में रखा था, अब ये बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो ये अब इसको आपको मैं बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी और परफेक्ट ये रसमलाई बनी है, बिल्कुल टूटी भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट ये रसमलाई बनी है। तो ये देखिए अब इसको मैंने बाउल में निकाल दिया है, अभी देखिए आपको मैं इसको स्पून से इसको तोड़ के बताती हूँ कितनी सॉफ्ट ये बनी है। अंदर से भी देखें बिल्कुल अच्छे से ये पक चुकी है, बिल्कुल कोई भी इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं बनी हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलती हूँ चला किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।